दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 50 मार्क्स का चैप्टर 11 जो कि आती है यहाँ पे पदखंड से। जैसे कि आपको पता होगा गदखंड ऑलरेडी कंप्लीट है जिसमें पांच चैप्टर पूछना रहता है, तो ये जो है ऑलरेडी कंप्लीट है। और पदखंड में यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ देख लिए हैं आइए देख लेते हैं। रहीम का दोहा ऑलरेडी देख लिए हैं, जीवन का संदेश हम लोग देख ही चुके हैं, उसके बाद आती है भारत माता ग्राम वासिनी तो इस चैप्टर को भी हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हिमालय का संदेश आता है तो इसको भी हम लोग देख लिए हैं, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर पिछले दिन ही अपलोड हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन का झरना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पदखंड में छः चैप्टर आता है, तो आज ये जो है छठा चैप्टर है। बाकी जो है पांच चैप्टर आती है गदखंड का तो वो भी हम लोग देख चुके हैं, टोटल 11 चैप्टर रहती है हिंदी 50 मार्क्स में। सारा जो है आज की इस वीडियो को अगर देख लेते हैं सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके सभी वीडियो आराम से देख सकते हैं, बारी बारी से एक एक करके सभी चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, आपका हिंदी 50 मार्क्स में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और बाकी जो है बात रही समरी की, तो वो भी समरी जो है अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो आपको उससे समझ में आ जाएगी। अब आगे हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जीवन का झरना से, फिर जाके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे जीवन का झरना में जो भी कुछ रहेगी आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बस हिंदी 50 मार्क्स कंप्लीट। और रही बात हिंदी व्याकरण की, तो वो जो है आपको एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पर आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं, इससे जो है हम आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे, तो बस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है जब हिंदी 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगी तब जो है इस चैनल पर आपको कॉमर्स की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है साथ में हम लोग इंग्लिश 50 मार्क्स का भी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर इस पर अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जीवन का झरना का, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, आरसी प्रसाद सिंह जी का जन्म 1970 ईस्वी में हुआ, आरसी प्रसाद सिंह जी का जन्म 1970 ईस्वी में हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, आरसी जी का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था, आरसी जी का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, आरसी जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के इरावत गांव में हुआ था। तो ये जो है तीसरा पॉइंट है, आप लोग जो सारे पॉइंट अगर याद करोगे तो आपको क्या होगा समरी बनाने में बहुत ही आसानी होगी, इजी से आप लोग समरी बना पाओगे। तो पॉइंट जो है जो भी है आप अच्छे से याद कर लेना। और जो है अगला पॉइंट क्या है, आरसी प्रसाद सिंह छायावादोत्तर हिंदी कविता का स्वच्छंद धारा के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और अगला क्या है, आरसी जी का सबसे पहली काव्य संग्रह कपाली है, आरसी जी की सबसे पहली काव्य संग्रह कपाली है। अब आप ये बोलोगे कि हम थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं तो मतलब जल्दी जल्दी देख रहे हैं तो आप लोग कैसे इसको फिर से पढ़ पाओगे, अच्छे से देख पाओगे, इसको कॉपी में कैसे लिख पाओगे, तो उसके लिए बस आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जाना, बी एस ई बी एजुकेशन करके एप्लीकेशन होगा, प्ले स्टोर पर जाके लिखना बी एस ई बी एजुकेशन और वो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर जो आपको सारा कुछ पी डी एफ मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करिए लिंक दिया हुआ है। क्या है अगला, यहाँ पे आरसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख रचनाएं क्या है आरसी जी का। तो आप लोग ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये जो है एक है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए जो भी यहाँ पे लिखा हो अच्छे से। चलिए देख लेते हैं, सतदल, आजकल और संचयिता, आरसी, नई दिशा, जीवन और यौवन और नंददास, प्रेम गीत, संजीवनी, कालरात्रि, खोटा सिक्का, पंच पल्लव, एक प्याला चाय, आंधी के पत्ते आदि जो है आरसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ये सब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और हम लोग अब देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाती है क्या चीज, चलिए कोशिश करिए सभी को याद करते हुए चलिए, क्या आरसी प्रसाद के आरंभिक काव्य पर किस धारा का कविता का प्रभाव था, मतलब किस धारा की कविता का प्रभाव था जो पहले वो लिखते थे आरसी प्रसाद जी, तो स्वच्छंद धारा का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक गति जीवन है, जब गति जीवन है तो मृत्यु क्या है, जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है, स्थिरता है। अब अगला क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री, तो इसमें बोला जा रहा है प्रस्तुत कविता के अनुसार हमें जीवन में क्या करते रहना चाहिए, हमें जीवन में सुख दुख दोनों को सहज भाव से अपना कर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रस्तुत कविता के अनुसार हमें जीवन में क्या करते रहना चाहिए, हमें जीवन में सुख दुख दोनों को सहज भाव से अपना कर सदा आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मनुष्य को किसके समान सतत गतिशील रहना चाहिए, तो निर्झर के समान,
मनुष्य को किसके समान सतत गतिशील रहना चाहिए, हमेशा गतिशील रहना चाहिए, तो निर्झर के समान। अब अगला यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या है, आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा है। आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा है, रुक जाने को ही मर जाना कहा है आरसी प्रसाद सिंह जी ने। अभी यहाँ पे हम लोग देख लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, अब आती है मेन क्वेश्चन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप में इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग सारे याद कर लेते हैं तो इससे बाहर जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि आप पूरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी को याद कर लीजिए। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जीवन का झरना शीर्षक कविता किसकी रचना है। जीवन का झरना शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन में यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, आरसी प्रसाद सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, आरसी प्रसाद सिंह ने कविता लिखी है, कौन सी कविता लिखी है। जीवन का झरना, जीवन संदेश, हिमालय का संदेश, भारत माता, ग्रामवासिनी। तो कौन सा कविता लिखे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवन का झरना, ऑप्शन ए। जो लोग यहाँ पे सोचे हैं जो इसका आंसर, तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। पहले से आप मन में सोच के देखिए कि हम जो आंसर बोलने वाले हैं कि आप जो है वही चीज़ जानते थे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोग को तो याद होना ही चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, मधुबनी में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। तो तीन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दरभंगा में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, आरसी प्रसाद सिंह छायावादोत्तर हिंदी कविता की किस धारा के कवि माने जाते हैं, प्रयोगवादी, रूढ़िवादी, स्वच्छंद और प्रगतिवादी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर चार का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, स्वच्छंद, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांच नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, जीवन और यौवन कविता संग्रह किसकी रचना है। जीवन और यौवन कविता संग्रह किसकी रचना है। तो यहाँ पे पांच का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। कौन सा, जीवन और यौवन, आरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। फिर छह नंबर क्वेश्चन है, खोटा सिक्का कहानी संग्रह किसकी रचना है। खोटा सिक्का कहानी संग्रह किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, रामनरेश त्रिपाठी की, आरसी प्रसाद सिंह की, इनमें से कोई नहीं। तो छह का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं यहाँ पे क्या है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है। आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है, हिमालय ने पुकारा, उर्वशी, एक प्याला चाय और उच्छ्वास। तो यहाँ पे सात का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्याला चाय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, आरसी सिंह की रचना कौन सी नहीं है, काल रात्रि, रश्मि रथी और खोटा सिक्का और पंच पल्लव। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठ का ऑप्शन बी हो जाएगा, रश्मि रथी, ऑप्शन बी जो लोग यहाँ पे सोचे हैं बिल्कुल सही हैं। अब देख लेते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन का झरना कविता में मर जाने का तात्पर्य क्या है। तो रुक जाने को ही मर जाना कहें इसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम लोग नाइन नंबर क्वेश्चन देख लिए, दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेन नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, जीवन का झरना शीर्षक कविता में कवि ने जीवन की तुलना किससे की है। जीवन का झरना शीर्षक कविता में कवि ने जीवन की तुलना किससे की है। तो दस का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्झर को, ऑप्शन डी, जीवन का झरना शीर्षक कविता में कवि ने जीवन की तुलना किससे की है, निर्झर से, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। अब ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा आरसी प्रसाद सिंह की कौन सा सम्मान दिया गया। आरसी प्रसाद सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा आरसी प्रसाद सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया। तो राइट आंसर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजेंद्र शिखर सम्मान, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, जीवन का झरना कविता में झरना किस चीज का प्रतीक है। तो आंसर यहाँ पे 12 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी, गति का, ऑप्शन बी, गति का। अभी हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, कवि आरसी प्रसाद सिंह के अनुसार किस चीज के लिए गतिशीलता अनिवार्य है। कवि आरसी प्रसाद सिंह के अनुसार किस चीज के लिए गतिशीलता अनिवार्य है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, जीवन और झरना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लहरें उठती है गिरती है किस कविता से ली गई है। ये जो लाइन है, लहरें उठती है गिरती है किस कविता से ली गई है, जीवन संदेश से, जीवन का झरना से,
भारत माता ग्रामवासिनी से इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन का झरना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन देख लिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा जो है गद्यखंड और पदखंड कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आती थी हिंदी 50 मार्क्स में, तीन चीज़ आती है, गद्यखंड और पदखंड और हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पे गद्यखंड में 5 चैप्टर कंप्लीट है और पदखंड में 6 चैप्टर कंप्लीट है। तो हमने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बाकी रही हिंदी व्याकरण की बात, तो इसके लिए बस आप जाइए और यूट्यूब पर सर्च करिए एजुकेशन बाबा, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण का सभी वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।